हमने दाजी राज के सामने मातृभूमि के लिए मुगलों से लड़ने की आवश्यकता वाला विचार रखा। वे हमारे विचार से सहमत नहीं हुए। आपने अभी हमारा गीता पाठ सुना ना, अर्जुन जैसा ज्ञानी और वीर भी जब तक कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप नहीं दिखाया था सहमत नहीं था उनसे। कभी कभी जब शब्द किसी को अपनी बात समझाने में असफल हो जाते हैं तो सामने वाले को अपने कर्म से वो बात समझानी पड़ती है। अब यदि आपके अपने दाजीराज को शब्द समझाने में असमर्थ हो चुके हैं तो आपको भी उन्हें अपनी बात समझाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। समझ गए रानी मां, समझ गए। गुरुजी, ऐसे कौन सा तत्काल काम आ गया कि बावचीराज ने हमें शीघ्र ही बुला लिया? अवश्य ही उनके मन में किसी नई रणनीति का विचार आया होगा। सामान्यतः जब ही कुंवर प्रताप के मन में एक नई रणनीति जन्म लेती है तो ऐसे ही उतावले हो जाते हैं। आचार्य जी, हमने निश्चय कर लिया है कि हम दाजीराज को मना लेंगे मुगलों के विरुद्ध युद्ध के लिए। इस विषय में हम आपके साथ सहमत नहीं है कुंवर प्रताप। पहले ही राणा जी का स्वास्थ्य चिंताजनक है और फिर आपके साथ एक नए विषय पे विवाद उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसने कह दिया कि हम उनसे विवाद करेंगे। विवाद के अतिरिक्त आचार्य जी और कई मार्ग हैं उन्हें मनाने का, और कई मार्ग। वातावरण कितना शांत है यहाँ पर, ना कोई तनाव ना कोई चिंता, भरा पूरा सुखी परिवार। जैसे एक बात कहें धीर भाई जी, हम जीवन में यही चाहते थे लेकिन जीवन भर क्या किया हमने, भागते रहे भागते रहे मृग मरीचिका के पीछे। हमें प्रसन्नता इस बात की है राणा जी कि कुंवर प्रताप और उनके सभी साथियों के मन में अकारण युद्ध और बदले की भावना से विनाश पथ पर चलने के बजाय आपका समझाया हुआ दृष्टिकोण उन्होंने अपना लिया है। एक बात बताएं धीर भाई जी, जितना हम कुंवर प्रताप को जानते हैं वो हमारे निर्णय से प्रसन्न नहीं है, किंतु हम ये भी जानते हैं कि मन ही मन वो हमारा बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए वो हमारे इस निर्णय के विरुद्ध कभी जाएंगे नहीं। ठीक कह रहे हैं प्राण जी, परंतु कुंवर प्रताप को इसके साथ साथ ये भी समझ में आ गया है कि आपकी बात मानने का लाभ क्या है। एकलिंग जी करें ऐसा ही हो। राणा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। अब आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया है और पहले से बेहतर हो गया, यदि आपकी अनुमति हो तो हम महल के उत्सवी वातावरण को देखकर हमारा मन चाहता है कि हम महल की सारी बहुओं के लिए एक महाभोज आयोजित करें। कल का दिन भी शुभ है और बहुत ही फलदायी पूर्णमासी है, क्या कहते हैं आप? कहना क्या है, शुभस्य शीघ्रम। परंतु राणा जी, एक कसक है। कसक? किस बात की कसक? राणा जी, जीजा हमारे साथ रहने के उपरांत भी रहती है अपने कृष्ण निवास में। यदि इस महाभोज के लिए वे नहीं आई तो सारा भोज आयोजित करने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हमारा यही सोच के मन घबरा रहा है। तो उदयपुर की महारानी वे पूरे राज परिवार को एक सूत्र में बांधने की जो आपने शक्ति और सूझबूझ दिखाई है धीर भाई जी, उसे देखकर हमें पूर्ण विश्वास है कि आप जवंता बाई जी को इस भोज में सम्मिलित होने के लिए मना ही लेंगे। कमांडर दाजी राज, आइए कुंवर प्रताप। अब कैसे आपका स्वास्थ्य? जिसके मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे पुत्र हो और भंवर जी जैसे पुत्र
वो भला अस्वस्थ कब तक रह सकते हैं? देख लीजिए, हम बिल्कुल ठीक है। यदि आप ठीक है तो हमें सुरक्षा पाठ सिखाने के लिए दुर्ग पे संभावित आक्रमण का एक छद्म अभ्यास आयोजित किया। यदि आप दोनों के पास समय है तो हम चाहते हैं इसी छद्म सुरक्षा अभ्यास की नाटकीय प्रस्तुति को देखने के लिए आप दोनों अवश्य आए। हम स्वयं निमंत्रण देने आए हैं। दुर्ग की सुरक्षा से महत्वपूर्ण भला और क्या हो सकता है हमारे लिए? चलिए हम आपके साथ चलते हैं। चलिए धीर भाई जी। राजी राज, हम आशा करते हैं कि जो भी हम आपको दिखाना चाहें आप उसे देख पाए। अमर सिंह जी, हम स्वस्थ और निर्बल हो चुके हैं। अब इस दुर्ग की सुरक्षा और इसका भविष्य आपका उत्तरदायित्व है। आप चिंता मत कीजिए राजीराज, अब बस हमें अपने विशाल अनुभव से मार्ग दिखाते रहिए, बाकी सब हम कर लेंगे। विजयी होकर आइएगा। जय एकलिंग जी। जय एकलिंग जी। अमर सिंह जी, शत्रु पर वार कीजिए, शत्रु की ध्वजियां उड़ा दीजिए, शत्रु दल हमारे दुर्ग के निकट ना आ पाए। जी राजी राजी राजी। आक्रमण! बहुत अच्छे अमर सिंह जी, पीछे जाइए अमर सिंह जी, फिर मार कीजिए, शत्रु के ऊपर टूट पड़िए। मार कीजिए अमर सिंह जी, शत्रु तो हमारे दुर्ग में ना घुस पाए। क्या करें, हमें अस्त्र शस्त्र सैनिक सब कम होते जा रहे हैं, और शत्रु की सेना हमसे बहुत अधिक है, और ऊपर से अब हम थक भी गए, और कैसे सामना करें उनका? अमर सिंह जी, जाके दुर्ग के दीवार के पीछे छिप जाइए, अपने प्राण बचाइए, जाइए शीघ्र ही जाइए। कुंवर प्रताप, ये कैसी रणनीति है? परवाह मत कीजिए अमर सिंह जी, जाइए। अमर सिंह जी, अमर सिंह जी बाहर निकलिए और आक्रमण कीजिए शत्रुओं के ऊपर। अपने सारे बिखरे हुए सैनिकों को एकत्रित कीजिए और एक अभेद सुरक्षा दीवार बनाइए। चलिए अमर सिंह जी, छिपे रहिए, प्राण बचाइए अपने आप। पर दादी, शत्रु तो हमारे पास तक कहां पहुंचे? परवाह मत कीजिए, आप छिपे रहिए। अमर सिंह जी, कायरों की तरह छिपना बंद कीजिए और बाहर निकलिए। निकलिए बाहर अमर सिंह जी, हम आपसे कह रहे हैं निकलिए बाहर और वार कीजिए इसके ऊपर। Thank you.
मतलब क्या है कुंवर प्रताप? आप इसे रणनीति कहेंगे? ये सिखा रहे हैं आप अमर सिंह जी को आगे बढ़कर शत्रुओं पर वार करने की बजाय आप अमर सिंह जी को सिखा रहे हैं कि वो दुर्ग में जाकर छिप जाए। वीरतापूर्वक शत्रुओं पर आक्रमण करने की बजाय आप अमर सिंह जी को ये सिखा रहे हैं कि अपने प्राण कैसे बचाए जाएं और दुर्ग में छिपा कैसे जाए। आप जानते नहीं है कि हमारा शत्रु कितना शक्तिशाली है। अब आप भी बताइए क्या लाभ हुआ दुर्ग में छिपकर? रघुवंशी की वीर परंपरा तो गई ही गई और साथ ही हमारे कितने सारे सैनिकों के प्राण भी चले गए। हम आपकी इस रणनीति से सहमत नहीं है कुंवर प्रताप, कदापि सहमत नहीं है। राजीराज, हम आपको यही तो बताना चाहते थे, यदि हम शत्रु पे वार ना करके दुर्ग में छिपकर हाथ पर हाथ रखकर यह सोचकर कि अपने आप को बचा लेंगे, अपनी प्रजा को बचा लेंगे, अपनी परंपराओं को बचा लेंगे, तो दाजीराज उस सोच का परिणाम कुछ इस प्रकार होगा। दाजीराज, इस नाटक के प्रस्तुति द्वारा हम केवल इतना बताना चाहते थे, यदि हमने मुगलों के विरुद्ध लड़ने का प्रयास नहीं किया तो बहुत शीघ्र ही ठीक उसी प्रकार वो मुगल अपना झंडा लहराएगा। वास्तविकता में बहुत शीघ्र ही इस दुर्ग पर लहराएगा। बस आपसे इतना ही कहना चाहते थे। राणा जी, कुंवर प्रताप उचित कह रहे हैं। मुगल समूचे भारत पर अधिपत्य करने की अपनी इस महत्वाकांक्षा को छोड़ेंगे नहीं, इसलिए बजाय वे हम पे वार करें और हमें मिटा दें, हमें अवसर पाते ही उन मुगलों पे उनसे पहले आक्रमण करना होगा और उन्हें अपनी मातृभूमि मेवाड़ से खदेड़ देना होगा। हम प्रतिज्ञा लेते हैं, हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने राजपूताना और समूचे भारतवर्ष को मुगल के आधिपत्य से अवश्य ही मुक्त कराएंगे, अवश्य ही मुक्त कराएंगे। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कुंवर प्रताप। तो क्या हम फिर से उसी मार्ग पर चलने वाले हैं जहां पर विनाश और रक्तपात के अलावा और कुछ भी नहीं? शांति से भोजन कीजिए कुंवर जगमाल। कैसे शांत रहे दाजीराज? इतनी कठिनाई से आपकी बुद्धि मार्ग पर आई थी। कुंवर जगमाल, अपनी भाषा पर ध्यान दें। हम मानते दादा भाई कि हमें उचित शब्द नहीं मिल रहे, किंतु हो क्या रहा है? उदयपुर के राणा एक साधारण सा खेल देखकर अपनी शांति और समृद्धि पे चलने वाली नीति बदल रहे। अरे, ऐसा कहीं सुना है क्या किसी ने? महत्वपूर्ण ये नहीं है कि पहले ऐसा कभी हुआ है या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि जाने अनजाने जो हम सही मार्ग भूल गए थे वो कुंवर प्रताप और उनके साथियों ने हमें दिखाया, इसलिए हम उनकी बात से सहमत हैं। हम शांति के नाम पर अपनी परंपराओं और मर्यादा के साथ समझौता नहीं कर सकते। सुन लिया आपने? जब दाजीराज ना राज्य रहेगा और ना हम रहेंगे तो फिर कैसी परंपरा और किसका स्वाभिमान? चुप हो जाइए कुंवर जगमान, बहुत बोल चुके आप। जो लकीर आपके दाजी राज और आपके दादा भाई आपके लिए खींचेंगे आप उसी पर चलेंगे। कुंवर जगमाल, धीर भाई जी, कुंवर जगमाल को नियंत्रित कर लीजिए, ये अपनी सभी मर्यादा की सीमाओं को लांघ रहे हैं।
अब भोजन करें राणा जी, हम बात करते हैं। राजी राज, अब भोजन कीजिए। कोई जगमाल तो अभी बच्चे हैं, उनकी बात का बुरा ना माने। और वैसे भी हमारी माँ कहती है कि जिस परिवार में अलग अलग मत और वे खुलकर अभिव्यक्त भी होते हों, तो इससे परिवार के स्वस्थ वातावरण का संकेत मिलता है। एक बात कहें कुंवर प्रताप, हमारी तो हार्दिक इच्छा यही है कि पहले की भांति आपकी रानी माँ हमारे साथ यहाँ पर होती, इस भोज में सम्मिलित होते हैं, तो कितना अच्छा होता। हमारी रानी माँ ने जो भी निर्णय लिया बहुत सोच समझ कर लिया। संन्यास के बाद उनके बदले हुए दिनचर्या को लेकर अब बुराना माने। कुंवर प्रताप, हम तो इसी बात से संतुष्ट हैं कि आपके मार्गदर्शन के लिए वो हर समय उपस्थित तो हैं इस महल में, हमारे लिए यही बहुत है। ऐसे सौभाग्य के लिए हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे एकलिंग जी के। भोजन आरंभ कीजिए। अमर सिंह जी, आप भी। रानी माँ, आप अंधी हो गई हैं दादा भाई के प्रेम में। अरे आप ऐसा कर कैसे सकती हैं? आप इस मूर्तापूर्ण और आत्मघाती अभियान का समर्थन कैसे कर सकती हैं? रानी माँ, आप चाहती ना तो बहुत सरलता से दादा भाई और ताजीराज दोनों को रोक सकती थी, किंतु आपको तो दादा भाई बहुत समझदार लगते हैं ना, इसलिए उन दोनों को रोकने के बजाय आपने आज फिर से हमें सबके सामने नीचा दिखा दिया। सेना और राजनीति के बारे में आपसे अधिक आपके दाजी राज और कुंवर प्रताप जानते हैं। है क्या आप उन दोनों के सामने? जब भी सोचते हैं अपने स्वार्थ का सोचते हैं, लेना देना नहीं आपका प्रजा परंपरा मर्यादा या स्वाभिमान जैसी बातों से। बस रानी माँ, बस दम घुटता है हमारा आपकी धोती बातों से। आपको पता है आपकी समस्या क्या है? आपने अवश्य हमें जन्म दिया है, किंतु आपके दिल में प्रेम उमड़ता है उस दादा भाई प्रताप के लिए। नहीं नहीं, हमें तो लगता है कि आप हमें भी मूर्ख बना रही हैं। कितनी निष्ठुर और कुटिल स्त्री हैं आप। जी तो करता है कि सामान बांधे और चले जाए रामल मामा के। कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। हम जानते हैं कि अनेक राजाओं के साथ कुंवर प्रताप दादा भाई रायमल को भी निमंत्रित करेंगे, फिर बिता लेना जितना समय बिताना चाहते हैं आप, समझे? चलो, कुछ तो हमारे हित का हो रहा है इस उन्मादी राज्य में। रानी माँ, आपके मुख पर सुख और संतोष का तेजोमय भाव देखकर ये लगता है कि राणा जी को मनाने की आपकी योजना सफल हो गई है। योजना केवल हमारी नहीं थी रानी माँ, आप ये भी कह सकती हैं कि हम दोनों की मिली जुली थी। आपके मार्गदर्शन से पहले हम बड़े ही दिशाहीन थे, किंतु मात्र आपने कृष्ण अर्जुन संवाद समझाकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का बहुत ही सहजता के साथ निदान कर दिया। समस्या है तो और भी आने वाली है आपके मार्ग में प्रताप। हमें लगता है कुंवर जगमाल संतुष्ट नहीं है राणा जी के निर्णय से। आपके ऐसा सोचने पीछे कारण? हमने उनके अंतर्मन में एक अशांत, एक विद्रोह भाव का अनुभव किया है। आपको उनसे सचेत रहना होगा। रानी माँ, हम मानते हैं कि कुंवर जगमाल हठी और निरंकुश बच्चों की भांति व्यवहार करते हैं, और यदि ऐसा कुछ होता भी है तो छोटी माँ है ना उन्हें संभालने के लिए। क्या बात है रानी माँ, हमने कुछ अनुचित कह दिया क्या? नहीं कुंवर प्रताप, चिंता वाली कोई बात नहीं है, हम बस ऐसे ही कुछ सोच रहे थे। छोटी माँ से याद आया, उन्होंने सभी बहुओं के लिए भोज आयोजित किया है, आप सम्मिलित होंगी ना? रानी माँ, अजय कह रही थी कि आपके पसंद वाले सभी व्यंजनों पकवानों की भी व्यवस्था की गई है सूची में, आप आएंगी ना? कुंवर प्रताप, हमारी दिनचर्या से अधिक महत्वपूर्ण राजकीय और प्रशासनिक कार्य है आपके पास।
जैसे राजपूताने की एकता अभियान को पुनर्जीवित करना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हे कृष्ण, प्रताप के लिए बाधाएं और बढ़ने वाली हैं, उनकी सहायता करें। अपने नए शस्त्रागार के उद्घाटन पर हम एक विशेष धनुर प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहते हैं। हम इस सुनहरे अवसर का पूर्ण रूप से सदुपयोग करना चाहते हैं। आसपास के सभी राजपूत राजाओं को इस सद्भावना भरे वातावरण में बुलाकर, फिर चाहे उनमें से किसी ने भी उस मुगल के साथ मैत्री संधि क्यों ना की हो, हम उन्हें बुलाएंगे, अवश्य बुलाएंगे। क्योंकि एक बार जब वे सब उस मैत्री वातावरण में आ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सरल हो जाएगा राजपूताना की एकता पर बात कर। बाजीराज, आपने जो हमारे प्रधान सेनापति का पत्र एक छोड़ा है चौंका देने वाले घोषणा के लिए, क्या वे भी आने वाले प्रतियोगिता में? चक्रपाणि, यदि सब कुछ योजना अनुसार हुआ तो हाँ, अवश्य, क्यों नहीं आएंगे वे? अब हमें बता भी दीजिए कुंवर प्रताप। हाँ हाँ, क्या नाम है हमारे प्रधान सेनापति का? हम आपको इतना भरी बता सकते हैं कि इस पद की आवश्यकताओं और गरिमा के अनुरूप वे सर्वश्रेष्ठ होंगे। बस इससे अधिक और कुछ नहीं, और आप हमें पूछने का प्रयास भी मत कीजिए। जी चक्रपाणि, अब आती है निमंत्रण सूची, लिखिए। पहला नाम राजा रायमल जी, हमारे संबंधी भी है, छोटी मां के भाई। दूसरा नाम राजकुमारी दुर्गावती, उनके बाद चंद्रसेन जी, राजा भारमल जी। गोंडवाना की राजकुमारी दुर्गावती हमें हार्दिक प्रसन्नता होगी यदि आप हमारे नवनिर्मित नगर उदयपुर के अस्त्र शस्त्र विभाग के उद्घाटन अवसर पर आयोजित समारोह और धनुर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पधारकर हमें अनुग्रहित करें। दर्शन अभिलाषी कुंवर प्रताप सिंह। से कहिएगा कि हम रानी दुर्गावती इस उद्घाटन समारोह में एवं धनुर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सहर्ष आ रहे हैं। हम राजा राम सिंह यह निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकते। दादा भाई, हम तो चाहते हैं कि हम वहां जाकर इस समारोह और धनुर प्रतियोगिता में भाग लें। पर हम अकबर के विरुद्ध नहीं जाना चाहते चंद्रसेन। हमारा वहां जाना शहंशाह अकबर को गलत संकेत देना माना जा सकता है, और आप तो जानते ही हैं कि प्रताप अकबर के सबसे बड़े शत्रु हैं। हम जानते हैं दादा भाई, पर हम अकबर से क्यों डरे? और वैसे भी हम ये तो नहीं कह रहे कि हम वहां जाकर सार्वजनिक घोषणा कर दें प्रताप के संग मित्रता की। हम तो केवल वहां जाकर सभी को अपनी धनुष क्षमता दिखाना चाहते हैं। पता तो चले इन सभी राजपूतों को कि अस्त्र शस्त्र संचालन में हम भी कम नहीं कुंवर प्रताप से।
अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अब हम आपको नहीं रोकेंगे चंद्रसेन। यहाँ पर नाम मैं रायमल आपके लिए सोने के थाल आपके लिए और ये खास किम खाब ये भी जहाँ पना आप ही के लिए और ये कस्तूरी का इत्र ये भी आपके लिए जहाँ पना ये सहर्ष स्वर्ण मुद्राएं ये भी आपके लिए जहाँ पना एक बस अंतिम उपहार ये सोने की कारीगरी वाला सूरा पात ये सब आपके लिए जहाँ पना आज मैं कितना प्रसन्न हूँ ईश्वर ने आपके दर्शन का अवसर मुझे दिया मतलब एक ही छत के नीचे आप और आपके सामने मैं भी खड़ा हूँ जहाँ पना तो क्या कहते हैं वो कृतार्थ जहाँ पना कृतार्थ हो गया मैं समझ नहीं आ रहा मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ आपसे मान सिंह प्रताप के इम्कानात को बर्बाद करने के लिए सही शख्स का इंतखाब किया है आपने लगता है फायदे नुकसान की जबान बहुत अच्छी तरह से जानता है ये शख्स और उससे भी बड़ी बात खुददारी और जमीर जैसी बीमारी कोई भी बात नहीं दिखाई देती है इनमें पोशीदा साजिशों के लिए काबिल शख्स दिखते हैं ये जहां पना अब अपने मुंह से अपनी क्या प्रशंसा करूं आप बस योजना बताइए क्यों चुटकी बजा के उसे मूर्त रूप दे देंगे जिस तीरंदाजी मुकाबले के लिए प्रताप ने आपको उदयपुर आने की दावत दी है प्रताप तमाम राजपूत राजाओं को हमारे खिलाफ एक करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है उस मौके को हम चाहते हैं कि तुम वहां जाकर प्रताप के इस मंसूबे को तहस नहस कर दो अब जहां पना इतने कठिन कार्य के लिए आपने मुझे योग्य समझा इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं आपका पर मैं सोच रहा था कि अगर मुझे अगर तुम इस मुहिम में कामयाब हो गए तो हम वादा करते हैं कि तुम्हारे भांजे जगमाल को हम उदयपुर का राजा बना देंगे मेरे भांजे की तो भाग्य खोल दी आपने जहां पना किंतु मुझे अगर तुम्हें तुम्हारी पसंद की मनसबदारी पना समझिए आपका काम हो गया हमारे दुश्मन को इतना कमजोर मत समझो रायमल जहां पना संभवतः आपको ये बात पता नहीं कि हमारी प्यारी बहन हमारे नियंत्रण में और उदयपुर के राणा उदय सिंह हमारी बहन के नियंत्रण में और यदि तुम नाकामयाब हो गए तो मामा हूं जहां पना मामा हमारे देश में सदैव शकुनी से लेकर रायमल तक मामा हमेशा ही सफल रहे हैं परंपरा है जहां पना परंपरा जाकर हमारे लोहार साथियों से मिली समारोह में प्रदर्शित शस्त्रों की जांच कीजिए तो प्रताप जी आचार्य जी आपके विचार से कितने राजपूत राजा हमारा निमंत्रण स्वीकार करेंगे राजपूत राजा नहीं राजा रानी दोनों जी आप रानी दुर्गावती को भूल गए उचित कह रहे हैं आप ये हमारी भूल है हमें राजनीतिक कार्यों में रानियों को सम्मिलित करने की आदत नहीं है हमारे युवा काल में साधारणता होती नहीं थी ऐसी स्त्रियां कार्यकारी रानियां हमारे विचार से हमने जिन जिन व्यक्तियों को आमंत्रित किया है आचार्य जी वे सभी आएंगे और प्रताप ये आवश्यकता से कहीं अधिक अपेक्षा नहीं हो जाएगी क्योंकि आमंत्रित राजाओं की सूची में कई ऐसे राजा हैं जिन्होंने अभी अभी अकबर के साथ मैत्री संधि की है अगर ऐसी बात है आचार्य जी तो वे निश्चित रूप से आएंगे केवल ये सिद्ध कर लें कि उनकी उस मुगल से मैत्री संधि मात्र सामरिक और राजनीतिक कारणों से हुई है उन्होंने उसे अपनी अंतरात्मा नहीं सौंपी अंतरात्मा
ऐसे देशद्रोहियों की अंतरात्मा होती भी है कौर प्रताप? कहीं आचार्य जी, अब सभी से तो हम एक स्तर वाली संवेदनशीलता और बुद्धिमता की अपेक्षा तो नहीं कर सकते ना। हेड़ चाल चलते हैं अधिकतर, क्योंकि वो मार्ग बहुत सरल होता है। मुगलों ने उन्हें एक ओर से हांका है, ठीक उसी प्रकार यदि हम उन्हें सही मार्गदर्शन करवा दें तो इसमें बुराई क्या है? आचार्य जी, हम उस मुगल को उसी की भाषा में उत्तर देंगे, तोड़ उत्तर देंगे। माला, ये चक्रपाणि मिश्र जी को उनकी पूजा की थाल देकर आइए तुरंत। छोटी माँ, अजते ये खीर चक्के हमें बताइए कि जीजा के स्वाद अनुरूप है या नहीं। बड़े सालों बाद बना रहे हैं तो देखना चाहते हैं कि आज भी हम जीजा के स्वाद अनुसार बना पाए हैं या नहीं। अरे वाह जबदे, हमने भी जीजा के लिए मीठे चावल बनाए, जरा चखे तो देखिए। अरे वाह, मैंने भी बड़ी रानी माँ के लिए हलवा बनाया है, आप इसे भी चख के देख लीजिए, ठीक लगेगा ना उन्हें? आप सभी ने इतने स्नेह के साथ ये बनाए हैं तो अच्छा तो होगा ही ना। किंतु छोटी माँ, हमें संदेह है कि रानी माँ इस बहुभोज में भाग लेगी भी या नहीं। इसमें संदेह की क्या बात है अजय? जीजा निश्चित रूप से बहुभोज में आएगी, क्या वे परंपरा नहीं जानती? वे जानती हैं कि महल की सबसे बड़ी बहू के मुख छुट लाने से आरंभ होता है बहुभोज। वो ये भी जानती हैं कि ये बहुभोज हमने विशेष रूप से उनके लिए आयोजित किया है ताकि हम अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें कि उनके महल आने से हम कितने प्रसन्न हैं। परंतु छोटी माँ, जब से रानी माँ लौटी है ये सभी समारोह से कितनी अलग सी रहती है। हम समारोह की बात नहीं कर रहे हैं जब, हम बहुभोज की बात कर रहे हैं। ये बहुभोज जीजा के बिना हो ही नहीं सकता, इसीलिए हमारा मान रखने के लिए वे अवश्य आएंगे। आप जाएं और सब लोग इस बहुभोज की तैयारियां करें, महल की सारी बहुओं को आमंत्रित करें। ठीक से करना। सुनिए, अरे गुरुजी, अब आइए ना, आइए। गुरुजी, आज बहुत ही लाभदायक पूर्णिमा है, इसलिए हमने सोचा कि सभी ग्रह नक्षत्र का आशीर्वाद लेकर उदयपुर का भविष्य पढ़ लिया जाए। उचित सोच, इससे हमें यह भी ज्ञात हो जाएगा कि उदयपुर के भावी राजा की उदयपुर को लेकर क्या योजना है। क्या बात है गुरुजी, आप हमें कुछ कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। न जाने क्यों चक्रपाणी, किंतु आपकी भविष्यवाणी से पूर्व ही हमें कुछ उचित नहीं लग रहा। हमारा मन कुछ विचित्र से संशय से घिरा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे पूरे प्रयास के पश्चात भी कुछ ऐसा है जो हमारी दृष्टि से छूट रहा है। न जाने भविष्य अपनी कोख में ऐसा क्या ली है जो हमें भयभीत कर रही है। गुरुजी, आप क्यों व्यर्थ चिंता कर रहे हैं? ये सहयोग ही तो है कि हम सब एकत्रित आकर पूजा कर रहे हैं। बस प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए इस पत्रिका को, फिर देखिए भविष्य से जुड़े सभी संदेह का उत्तर दे देगी ये। सुनिए पंडित जी, बाबूजीराज से कह दीजिए कि पूजा शुरू हो रही है। रुकिए, हमारे विचार से कुंवर प्रताप को वर्तमान आयोजन की अन्य व्यवस्थाएं पूर्ण कर लेनी चाहिए। क्यों भविष्यवाणी का भोजन के कंधों पर डालें, पहले क्या कम कार्य उनके पास करने।
और यदि आवश्यकता हुई तो सूचना साझा करने के लिए उन्हें बुला लेंगे। हाँ ये भी ठीक है गुरुजी। मामा जी, कुंवर प्रताप। कैसे हैं आप कुंवर प्रताप? कुशल मंगल। आप कुंवर प्रताप है ना? जी। खम्मागड़ी आज के बारे में सुना बहुत, आज दर्शन कर लिया। हुकुम। सेवक। जी 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 हुकुम। हमारे नए शस्त्रागार उद्घाटन समारोह में आमंत्रित सभी गणमान्य अतिथियों में हमारे निमंत्रण को सबसे पूर्व स्वीकार कर मामा जी कृतार्थ किया। सच में आपके आभारी रहेंगे। क्यों लज्जित कर रहे हैं आप? मामा हैं हम आपके, सौतेले ही सही, पर आपका व्यक्तिगत निमंत्रण स्वीकार ना करें, भला ऐसा हो सकता है क्या? काफी साज सज्जा के साथ आपने ये महल बनवाया, सुंदर, अति सुंदर। ये तो हमारी प्रजा के स्नेह और श्रम का परिणाम है। अपने कड़े श्रम और सूझबूझ का श्रेय अपनी प्रजा को दे रहे, इसीलिए इतने लोकप्रिय राजा बने आप। वाह। नहीं मामा जी, नहीं, राजा हम नहीं, राजी राज है। एक ही बात, कुछ ही दिनों में आप राजा बन जाएंगे। हमारे कहने का अभिप्राय राजा के दास, हमारे असली भांजे जगमाल के दास। मामा जी, कुंवर जगमाल। मामा, कैसे हैं कुंवर जगमाल? बस ठीक है मामा। अरे कुंवर जगमाल, हमारी बहना कहाँ है? अपने भाई का सत्कार करने नहीं है? खम्मा गणी दादा भाई। गणी खम्मा। उदयपुर की महारानी, कैसी है हमारी बहना? ऐसी बात अपने जिह्वा पर फिर मत लाना दादा भाई। उदयपुर की महारानी कुंवर प्रताप की माँ रानी जयवंता बाई है। कुंवर जगमाल, अपने मामा को आदर सहित अपने आवास तक ले जाए, हमें बहुभोज में बड़े काम है। आपसे जल्द मिलते हैं दादा भाई। कुंवर जगमाल, ये बहना को क्या हुआ है? भूत सवार है दादा भाई। प्रताप परिवार के प्रति निष्ठा दिखाने का, और वो भी इतनी अधिक कि अपने स्वयं के पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार करती है मानो कोई सौतेला पुत्र हो। चिंता मत कीजिए कुंवर जगमाल, अब आपके मामा यहाँ आ गए हैं, जिनके दिल में केवल और केवल सिर्फ आपके हित की बात। धन्यवाद मामा जी। आइए कुंवर प्रताप। विराजिए। आचार्य जी, सबसे पहले आमंत्रित
गणमान्य अतिथि राजा रायमल जी पधार चुके हैं। पूर्ण विश्वास है कि बाकी सभी अतिथि भी शीघ्र आ जाएंगे। हमें आपकी योजना सफल होती दिख रही है रानी दुर्गावती। राम सिंह जी, चंद्रसेन जी, कल्याण सिंह जी, भारमल जी, इन सभी ने आपके निमंत्रण को स्वीकार कर अस्त्र शस्त्र विभाग के उद्घाटन के अवसर पर होने वाली प्रतियोगिता में सम्मिलित होने की सहमति दी। एकलिंग जी, बहुत छोटी सी किंतु वाले बहुत महत्वपूर्ण सफलता है। निसंदेह कुंवर प्रताप, निसंदेह। हमें प्रतीत हो रहा है कि हमारी सारी चिंताएं आधारहीन थी। बहुत शीघ्र ही आप समस्त राजपुताने को एकजुट कर उदयपुर के महाराणा बनाना। आचार्य जी, सब हमें राजा बनाने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? क्योंकि मेवाड़ की राजा राज परिवार और आपके गुरु का यही सपना, और सपने तो पूर्ण होने चाहिए ना। कहीं तो हमें प्रतीत हो रहा है कि हमारी सारी चिंताएं आधारहीन थी। बहुत शीघ्र ही आप समस्त राजपुताने को एकजुट कर उदयपुर के महाराणा बनाना बन जाए। आचार्य जी, सब हमें राजा बनाने के लिए इतने आतुर क्यों हैं? क्योंकि मेवाड़ की प्रजा, राज परिवार और आपके गुरु का यही सपना, और सपने तो पूर्ण होने चाहिए ना। कहीं हुकुम। खम्मा गड़ी बड़ी खब। आपके लिए संदेश। संदेश पढ़ते ही इस प्रकार का प्रसन्नता भाव। इससे पहले कि आप कुछ कहें, हम अनुमान लगाते हैं। प्रतीत होता है कि जिसे आपने प्रधान सेनापति के पद के लिए नियुक्त किया है, उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में आने की सहमति दी है। आचार्य के निकट रहने का यही परिणाम होता है। मुख्य भावों को एक साधारण पुस्तक की भांति पढ़ लेते हैं। फौजीराज, पंडित चक्रवाणी जी की पूजा में अंतिम बार आहुति देने का समय आ चुका है। अरे हाँ, आप चलिए माते। जी बाबूजीराज। आचार्य जी, हम तो भूल ही गए, आइए चलते हैं। हम चक्रपाणी की पूजा को देखते हैं, अब समारोह के आयोजन को देखिए। जैसी आपकी आज्ञा। हमें नहीं लगता जीवंता बाई जी अब आएंगी। हमें लगता है कि हमें भोजन आरंभ कर लेना चाहिए। पूजा पाठ के कारण वे व्यस्त रही होगी और संभवतः यह नहीं आ पा रही होगी। जीजा, हमें भी ऐसा लगता है कि अब वे नहीं आएंगी। वीर भाई जी, आप इतनी निराशाजनक बातें क्यों कर रही? महारानी जयवंता बाई जी ने कहलवाया है कि अब बहुभुज आरंभ करें। कुछ कारणवश वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे इसमें। इस बार जीजा को न तो हम स्वयं देने जाएंगे। जीजा, हमने आपको इतनी बार न्योता भेजा, आप भोज में आई नहीं, क्योंकि हमने मात्र दैहिक आनंद के लिए किए जाने वाले भोज और उत्सवों में भाग लेना बंद कर दिया है। हमारे लिए अब हमारी साधना महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि आप भोज में क्यों नहीं आई जीजा। हमें भी कृतार्थ करें आपकी जानकारी से, क्योंकि भोज हमने आयोजित किया था। बार बार न्योता आपको हम भेज रहे थे। आप ये मान चुकी हैं ना जीजा कि हम अब भी पहले जैसी हैं, जैसी तब थी जब आप महल छोड़कर गई थी। आप
आपको भरोसा नहीं है ना हम पर, हमारे किसी काज पर। हम कितना प्रयास करें स्वयं को बदलने का, परंतु आप हम पर विश्वास नहीं करेंगे। हमने वैमनस्य का विकार चित से धो डाला है धीर भाई जी, और अकारण अविश्वास भी नहीं करते हम किसी पर। अच्छा तो ये बताइए चीजा कि हम बदले हैं या नहीं, और यदि नहीं बदले तो ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। माना कि आप ज्ञान की ओर चली थी, भक्ति की ओर चली थी, परंतु हमने भी स्वयं को बदला है जीजा। दिन रात हम कुंवर प्रताप की कुशलता के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके हर अभियान में उन्हें सफलता मिले, इसलिए एकलिंग जी को याद करते हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रताप है तो साम्राज्य है, और ये साम्राज्य है तो आप और जगमाल के सपनों के लिए संभावनाएं हैं, महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए संभावनाएं हैं। साम्राज्य ही नहीं रहेगा तो आप और कुंवर जगमाल शासन किस पर करेंगे? ऐसा सोचते हैं आप हमारे बारे में जीजा। अब तो हम केवल अपने कान्हा जी के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है हमें, क्योंकि आपको तो जानते हैं हम। यदि ऐसी बात है तो हमने आपको पत्र क्यों लिखा, क्यों बुलाया आपको? है तो आज भी आप हमारी प्रतिस्पर्धी। यदि हम पुरानी बातों को लेकर बैठते तो हम आपको नहीं बुलाते जीजा। समस्या भी घटती, प्रताप नहीं संभला तो राज कैसे संभलेगा, राज नहीं संभला तो राजगद्दी कैसे संभलेगी? क्यों गलत कह रहे हैं हम? ये जो धारणा आप बनाकर बैठी हैं हमारे बारे में जीजा, ये आपको बदलनी पड़ेगी। सच कह रहे हैं, बताइए ज्योतिषाचार्य जी क्या कहता है उदयपुर का भविष्य? हाँ हाँ अभी बताते हैं। चक्रपाणि क्या बात है? चक्रपाणि आप कुछ बताएंगे क्या बात है? ये नहीं हो सकता चक्रपाणि। नहीं नहीं क्या ये नहीं हो सकता? ये क्या किया आपने? ये नहीं हो सकता। आपको हुआ क्या? आप कुछ बोलते क्यों नहीं चक्रपाणि? क्या कह रही आपकी पत्रिका, बोलिए। और ये चक्रपाणि क्या कह रही है आपकी पत्रिका? ये पत्रिका तो क्या था विश्व में उदयपुर का शुभ काल दिखा रही है। क्या कह रहे हो? राजा जी की आयु समाप्त होने वाली है। मुझे राणा जी के उपरांत प्रांत हमारे भारे भौजी राज नहीं हो पाएंगे अगले राजा। साम्राज्य ही नहीं रहेगा तो आप और कुंवर जगमाल शासन किस पर करेंगे? अब तो हम केवल अपने कान्हा जी के बारे में सोचते हैं, आपके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रताप नहीं संभला तो राज कैसे संभलेगा, राज नहीं संभला तो राजगद्दी कैसे संभलेगा? रानी मां, मुझे मां,
इससे कोई अंतर नहीं पड़ता रानी माँ, क्या क्या करती है, किसकी ओर है या किसका साथ देती है? धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। नहीं, हम ये बात पूरी ताकत से साफ साफ चिल्ला कर कहेंगे, अगर इस राज्य का महाराणा कोई बनेगा तो वो होंगे हम। हम बनेंगे महाराणा, महाराणा जगमाल सिंह, हम बनेंगे इस राज्य के महाराणा, हम बनेंगे महाराणा, हम बनेंगे महाराणा, हम बनेंगे महाराणा, हम बनेंगे महाराणा। गुरुजी, ज्योतिषी गन्नाओं को जो कहना था सो कह दिया, किंतु यदि यदि बाउजीराज नहीं होंगे उदयपुर के अगले राजा तो फिर कौन होगा? मैं नहीं लगता गुरुजी, गुरुजी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के बाद आज तक पूरे रघुवंश में हमारे बाउजीराज से अधिक योग्य कोई राजा पद के लिए हो पाया, तो फिर विधाता हमारे साथ ऐसा क्रूर खेल क्यों खेल रहा है? चक्रपाणि, कौन हमारे प्रिय मित्र के साथ क्रूर खेल खेल रहा है? चक्रपाणि, ये क्या? कुछ नहीं, वो बस। बात क्या आचार्य जी? चक्रपाणि, आप तो पूजा में व्यस्त हैं। हाँ, यहाँ कुछ अनचाहा हुआ है क्या? क्या आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? चक्रपाणि, अब और नहीं रहा जाएगा हमसे। हुआ क्या कि पूजा समाप्त करते ही चक्रपाणि की धर्मपत्नी का संदेश आ गया। उन्होंने कहा कि उनके भाई का विवाह निश्चित हो गया और यही कारण है कि वह पुनः चक्रपाणि के पास रहने के लिए कुछ दिनों बाद आएंगे। हो गए चक्रपाणि उद्विग्न, और उद्विग्न भी इस प्रकार हुए कि ईश्वर को ही कोसने लगे। ये देखिए, किस प्रकार उन्होंने क्रोध में संदेश की आहुति दे दी हवन कुंड में। क्षमा कीजिए चक्रपाणि मिश्र, कि हम अपने नए नगर निर्माण में इतना व्यस्त हो गए कि आपकी गृहस्थी निर्माण के बारे में हमने कुछ सोचा ही नहीं। आप एक काम कीजिए, आचार्य जी से अवकाश लेकर कुछ समय के लिए आप ससुराल चले जाएंगे, आप भी प्रसन्न हो जाएंगे और हमारी भाभी साहब। क्यों आचार्य जी, उचित है ना? उचित। नहीं नहीं बाबूजीराज, सारे राजपुताने से गणमान्य अतिथि आने वाले हैं, अस्त्र शस्त्र विभाग का उद्घाटन होने वाला है, और वो प्रतियोगिता, वो सब हो जाने के बाद ही हम चले जाएंगे ससुराल। देखिए, ऐसा कोई दबाव नहीं है हम पर, क्योंकि प्रतियोगिता के आयोजन का सारा भार इस बार हम कोर जगमाल पर डालना चाहते हैं जी, तो अवश्य आपको कुछ समय मिलेगा, आप जा सकते हैं कोर जगमाल पे। जी आचार्य जी, हम जानते हैं आज तक उन्होंने कोई इतना महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया कि हम उनकी क्षमता से प्रभावित हो सके, किंतु आचार्य जी, यदि हम उन पर उत्तरदायित्व नहीं सौंपेंगे तो उन्हें अवसर कैसे मिलेगा अपनी क्षमताओं को टटोलने का, कोर जगमाल से सर्वश्रेष्ठ निकलवाने के लिए उनकी साधारण क्षमता से हमें उन्हें कुछ अधिक ही देना पड़ेगा। और केवल कोर जगमाल ही क्यों, हम तो हर क्षण सबकी पूरी क्षमताएं निकलवाने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे आचार्य जी तो सबका विकास कैसे होगा? राष्ट्र निर्माण के लिए हम सबको अथक परिश्रम करना होगा, हमें अपने कार्य करने होंगे, और ये अति आवश्यक है आचार्य जी। कृपया बचे हुए निमंत्रण पत्रों को आसपास के सभी राज्यों में भिजवा दीजिएगा।
और चक्रपाणि, आपके सामने हमने एक प्रस्ताव रखा है, फिर सोचेगा उसके बारे में। सब सोच लिया हमने बाजीराज, सब सोच लिया। आज्ञा। हमने आपकी भविष्यवाणी के बारे में गुरु प्रताप से कुछ नहीं कहा, क्योंकि हमें उस पर विश्वास नहीं है। हम केवल एक ही बात जानते हैं और एक ही बात मानते हैं, उदयपुर का भावी राजा गुरु प्रताप के अतिरिक्त तौर के कौन देख सकता है। और तब तक हम अपनी इस मान्यता पर डटे रहेंगे, तब तक समस्त राजपुताने को एकजुट करने के अभियान में कुंवर प्रताप सफल नहीं हो जाते, और आज सिंहासन पर नहीं बैठ चुका। राणा जी, वीर भाई जी, नहीं, बैठ जी ने कहा है ना कि राणा जी को जल चांदी के पात्र में नहीं, ताम्र के पात्र में दीजिए। भूल हो गई जीजा, क्षमा कर दीजिए। वीर भाई जी, कोई अंतर नहीं पड़ता, पात्र चाहे चांदी का हो या तांबे का हो। चिंता कैसे ना करें राणा जी, अभी अभी बैठ जी कहकर गए हैं कि आपके स्वास्थ्य में कोई विशेष सुधार नहीं है और आपका ध्यान विशेष रूप से रखा जाए। जीजा सही तो कह रही हैं, हम अभी तांबे का जलपात्र लेकर आते हैं। क्या बात है धीर भाई जी, हमें लगता है कि आप किसी बात को लेकर उद्विग्न हैं। हमारे स्थान पर कोई भी होता राणा जी तो उद्विग्न ही होता। हमने इतने प्रेम से बहुभोज आयोजित किया पर जीजा नहीं आई। देखिए धीर भाई जी, आपको एक बात समझनी होगी, जयंता भाई जी का समूचा व्यक्तित्व अब बदल चुका है। अब वो हमारे इन साधारण सांसारिक आयोजनों में सम्मिलित हों, इसकी हमें अपेक्षा उनसे नहीं रखनी चाहिए। अब वो अपने कान्हा जी की भक्ति में लीन रहना चाहते हैं। और भावनाओं का क्या, प्रेम का क्या, संबंधों का क्या? धीर भाई जी, उनको लेकर अब हमें इन सभी बातों को एक नए ढंग से परिभाषित कर लेना चाहिए, जैसा कि हमने कर लिया। अब वो हमारे कक्ष में नहीं आते, आरंभ में हमें बुरा लगा लेकिन अब हम समझ गए हैं कि हम उनके लिए अब प्रमुख नहीं रहे, अब उनके लिए प्रमुख उनके अपने कान्हा जी हो गए। बस इतनी साधारण सी बात है। और घणी राणा जी, घणी कमा रहा है मल जी, आइए। नहीं नहीं नहीं, लेट रहिए, अस्वस्थ हैं आप, यदि विश्राम नहीं करेंगे तो इतना बड़ा राज्य कैसे संभालेंगे? हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुंवर प्रताप है ना, वो सब संभाल लेंगे। क्यों धीर भाई जी, ये काना हमने? बिल्कुल राणा जी, कुंवर प्रताप के होते राणा जी को राजपाट की क्या चिंता। बस नहीं 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 नहीं, आनंद नहीं आ रहा इसमें, हमें कुछ और दिखाओ, ऐसा कुछ जिसको देख के हमारा हृदय भड़क जाना चाहिए उन्माद से। क्या बात आचार्य, निहत क्यों लग रहे हैं? आहत नहीं, निराश।
ये देखकर कि समारोह के आयोजन के लिए कितना कुछ है करने के लिए और आप यूं व्यर्थ बैठे अपना समय गवा रहे। व्यर्थ गवा रहे? नहीं तो आचार्य, हम तो बस अपना दिया गया उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। भूल गए? अरे दरबार में दादा भाई ने हमें कला और संस्कृति का उत्तरदायित्व दिया है, हम तो बस पूरी निष्ठा के साथ वही कर रहे थे। देखा नहीं आपने हम कितने ध्यान से नर्तकियों को प्रेरित कर रहे थे। इस प्रतियोगिता के आयोजन का उत्तरदायित्व कौन प्रताप ने आपको दिया? क्योंकि वह आपको अपनी योग्यताएं सिद्ध करने के लिए एक और अवसर देना चाहते हैं। इस समारोह का प्रमुख आयोजन है धनुर प्रतियोगिता और अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता, जिसमें समस्त राजपुताने के सभी आमंत्रित राजा रानियां भाग लेंगे। इसे सबसे अधिक दर्शक भी मिलेंगे। अवार्ड नरेश से लेकर सभी आमंत्रित गणमान्य अतिथि, प्रमुख नागरिक, समस्त उदयपुर की प्रजा होगी। और कुंवर प्रताप चाहते हैं कि इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन का उत्तरदायित्व आप करें। तो आपके विचार से आचार्य हम वो ही करें जो दादा भाई प्रताप हमसे कहते हैं? क्यों, सामान्य कर्मचारी हैं क्या हम उनके? ऐसा सोचकर आप किसी कार्य को करने में तत्पर हैं तो फिर ऐसा ही सही। और आपको कुंवर प्रताप के इस आदेश का पालन करना होगा। अभ्यास समझ के ही कर लीजिए, क्योंकि भविष्य में उनके राजा बनने के पश्चात आपको उनके सभी आदेशों का पालन करना होगा और बार बार करना होगा। इसी कारण हेतु अभ्यास कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं अनुशासनहीनता कुंवर प्रताप को कदापि पसंद नहीं। आदेश तो हमारा सुनना पड़ेगा प्रताप को, क्योंकि जल्दी हम मेवाड़ के महाराणा बनेंगे।